आश्रम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाचनपुरा में ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बायोलॉजी में जो चैप्टर चल रहा था वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज आपके सामने जो नया चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन, मानव में आदर और चक्र, चैप्टर नंबर है 34। 34वां लेसन आपके सामने है, देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमन, ये चैप्टर है 34। ये चैप्टर है, देखिए मानव में आता है चक्र, ये चैप्टर है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों आप ध्यान दें, मानव में आता है चक्र। देखो अपन इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं एक बार कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या आता है चक्र क्या होता है। देखो इससे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होता है? रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑल फीमेल और फीमेल मेमल्स, ऑल फीमेल मेमल, ऑल एक्टिविटीज ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑक्योर इन साइकिल ऑर्डर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव साइकिल। मैं लिख देता हूं, एक्टिविटीज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑक्योर इन साइकिल ऑर्डर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव साइकिल। देख जितनी भी जो फीमेल्स मेमल्स है उनमें एक चक्रीय रूप में रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, एक चक्रीय रूप में रिप्रोडक्टिव साइकिल है, उसे हम रिप्रोडक्टिव साइकिल के नाम से जानते हैं। देखिए रिप्रोडक्टिव साइकिल में क्या होता है, फीमेल जो होती है वो ओवम डेवलपमेंट करती है, मतलब ओवम का निर्माण करती है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है उसको दो भागों में कन्वर्ट किया गया है। दो भाग है रिप्रोडक्टिव साइकिल के, फर्स्ट पार्ट है, मैं लिख देता हूँ, टू टाइप्स रिप्रोडक्टिव साइकिल। टू टाइप्स में आपको पता होने चाहिए, एक तो एट्रस साइकिल, एट्रस साइकिल और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। टू टाइप्स रिप्रोडक्टिव साइकिल है, दो प्रकार के रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होते हैं। तो प्राइमेट्स जो होते हैं, प्राइमेट्स को छोड़कर जो भी फीमेल मादा होती है, फीमेल होती है, उन सब में एट्रस साइकिल चलता है। और एट्रस साइकिल को हिंदी में बोलते हैं मध्य चक्र, ध्यान देना है आपको, एट्रस साइकिल जो होता है उसको बोलते हैं मध्य चक्र और मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं आदर चक्र, आदर चक्र या रज चक्र या मंथली साइकिल, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है ऑल फीमेल मेमल्स एक्टिविटीज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑक्योर इन साइकिल ऑर्डर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव साइकिल, यानी कि जो फीमेल मादाएं होती है उसमें नियमित रूप से पाई जाने वाली जनन संबंधी जो घटनाएं होती है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल में
आती है। अब यहाँ पर अपन ने लिखा है टू टाइप्स रिप्रोडक्टिव साइकिल, दो प्रकार के रिप्रोडक्टिव साइकिल होते हैं। एक तो होता है एप्रस साइकिल, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं मध चक्र, और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे अपन मासिक चक्र या महामारी जिसे अपन बोल सकते हैं, या रज चक्र भी जिसे अपन कहते हैं। तो ये है आपका दो टाइप्स के रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो सबसे पहले अपन मध्य चक्र या एट्रस साइकिल पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है एट्रस साइकिल में आपको पता होना चाहिए देखिए एट्रस साइकिल अपन पढ़ने जा रहे हैं करती है। अब इसमें क्या होता है, देखो इंग्लिश मीडियम में एट्रस साइकिल इज फॉर सम टाइम इट इज एसोसिएटेड द सेक्सुअल मैच्योरिटी एक्सक्लूडिंग प्रीमेट्स मेमल्स, दिस साइकिल फाउंड इन द रेस्ट ऑफ द ऑल मेमल्स दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड दिस फीमेल रिसीव्ड द मेल फॉर मेटिंग। यानी इसका मतलब यह हुआ है कि जो मादाएं होती है उनमें जो मध चक्र आता है वो उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता हो जाती है, और एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता के कारण वो फीमेल के साथ क्या करती है, मेटिंग करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए ये एट्रस साइकिल है। इसी प्रकार अपन बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो कि अपने लेसन का आधार है। अपने लेसन में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही है। आपको एट्रस साइकिल में इतना ही ध्यान रखना है कि एट्रस साइकिल जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता से होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट हो जाता है, और सिक्रेट होने से उसमें जो है मध्य चक्र या एट्रस साइकिल होता है। अब इसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल ये अपना आज का जो मेन इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक है। मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि पूरा लेसन इसी के ऊपर डिपेंड है, पूरा लेसन इसी पर आधारित है। तो देखो इसमें अपन सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन की परिभाषा। डेफिनेशन क्या होता है इसमें, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट टेक प्लेस इन प्रीमेट होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल
यानी कि प्रजनन चक्र पाया जाता है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको पता होना चाहिए कि जो फीमेल होती है वो फॉर्मेशन ऑफ ओवम यानी कि अंडाणु का निर्माण करती है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मेन बेस है, मेन लॉजिक है, वो लॉजिक यही है कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम, अंडाणु का निर्माण करना। तो अंडाणु के निर्माण के लिए दिस प्रोसेस इंपॉर्टेंट, ये है जो प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, प्रोसेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसको अपन चार भागों में डिवाइड करते हैं, यानी चार फेजेज हैं इसकी। तो देखो सबसे पहले अपन जो फर्स्ट फेज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। और इसी प्रकार इसके अंदर आता है आपका ओविलेटरी फेज, ओविलेटरी फेज, पोस्ट ओविलेटरी फेज, ये चार फेजेस से कन्वर्ट किया गया है। ध्यान दें मेंस्ट्रुअल साइकिल को चार फेज में कन्वर्ट किया गया है। इसमें सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज है, फर्स्ट आर, सेकंड आर फॉलिकुलर फेज है, थर्ड आर ओविलेटरी फेज है, और ओविलेटरी पोस्ट ओविलेटरी फेज। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको आकर चक्र। फॉलिकुलर फेज को बोलते हैं कुटकीय प्रावस्था। ठीक है, ओविलेटरी फेज इसे बोलते हैं अंडोत्तक प्रावस्था, अंडोत्तक प्रावस्था। और फोर्थ इसमें पश्च अंडोत्तक प्रावस्था। पोस्ट ओविलेटरी फेज प्रावस्था। अब एक चीज अपन देख रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन पढ़ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की परिभाषा अपन ने ले ली है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की ये फेजेज है जिसमें मेंस्ट्रुअल फेज, आकर्षक चक्र, फॉलिकुलर फेज, कुटकीय प्रावस्था, ओविलेटरी फेज, अंडोत्तक प्रावस्था, पोस्ट ओविलेटरी फेज, पश्च अंडोत्तक प्रावस्था। इससे पहले अपन को एक चीज और समझनी पड़ेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको सामने दो पॉइंट आएंगे, एक तो आएगा मेनार्च, एक तो मेनार्च होता है, और एक होता है मोनोपॉज। ये दो आपके सामने बढ़ रहा है, एक तो मेनार्च एक मोनोपॉज। देखो मेनार्च, मेनार्च जो होता है फर्स्ट बार जब लेडीज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसकी जो एज होती है वह 12 से 14 वर्ष की है, यानी 12 से 14 इयर्स है। इसे जब फर्स्ट बार अगर ब्लीडिंग होती है, फर्स्ट बार जो है मेनार्च जो होता है वो 12 से 14 वर्ष की उम्र में होता है। ठीक है, मोनोपॉज का मतलब होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लोज्ड हो जाता हो, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, उसकी जो एज होती है वो आफ्टर 15 ईयर्स 14 ईयर्स। अब आपको ध्यान रखना है मेनार्च में 12 से 14 वर्ष, मोनोपॉज में 50 वर्ष, ये दो एज आपको ध्यान रखनी है। इसे बोलते हैं मेनार्च, हिंदी में बोलते हैं रजोदर्शन। मेनार्च रजोदर्शन, मोनोपॉज को बोलते हैं रजोनिवर्त। तो रजोदर्शन के लिए जो फर्स्ट पार्ट जो ब्लडिंग होती है, फर्स्ट पार्ट जो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी लेडीज में स्टार्ट होता है, फीमेल्स में स्टार्ट होता है, तो उसकी एज 12 से 14 वर्ष है। और इसी प्रकार रजोनिवर्ति का मतलब होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है वो होता है 50 वर्ष। तो दोनों दोनों चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है,
मेनार्च और मोनोपॉज, या आपको ध्यान रखना है रजो दर्शन और रजो निवर्ती, ठीक है। इसके बाद में अपन ध्यान दें, अपने को ध्यान देना है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जैसे अपन वुमन फीमेल की बात कर रहे हैं, मानव माता की बात कर रहे हैं, वुमन फीमेल की बात कर रहे हैं, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 दिन का होता है, ठीक है ना। जो 28 दिन का 28 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको अपन चार भागों में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे समझेंगे अपन, कैसे चार भागों में इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, टाइम के हिसाब से, डे के हिसाब से अपन इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 1 से 5 डेज का होता है ये, इसी प्रकार 6 to 13, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 6 से 13 दिन का होता है, कौन सा, फॉलिकुलर फेज, उठके प्रावस्था। इसी प्रकार ओवुलेटरी फेज, ये 14वें दिन होती है साहब, ठीक है, ओनली वन डे 14वें दिन, और इसी प्रकार यहाँ पर 15 से 28 दिन, ये आपको ध्यान रखना है। टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है, डे का आपको विशेष ध्यान रखना है। चार चीजें अपन ने यहाँ पर कन्फर्म की है, कन्फर्मेशन किया है इसका, चार चीजों का। चार चीजों में आपको ध्यान रखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो परिभाषा है वो आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो वर्ड आपके सामने आए हैं, मेनार्च और मोनोपॉज में आपको बताना है। मेनार्च को हिंदी में बोलते हैं रजो दशक, जिसकी एज होती है 12 से 14 वर्ष, यानी कि 12 से 14 वर्ष की उम्र में मादाओं में इमेज में जो होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, इसलिए उसे रजो दर्शन कहते हैं, पहली बार बाहर आना रजो दर्शन। इसी प्रकार मोनोपॉज में आपको बता देना है रजोनिवर्ती, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है रजोनिवर्ती में क्या होता है कि 50 वर्ष के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली साइकिल बंद हो जाता है, इसे अपन मोनोपॉज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में, यानी कि 12 से 14 वर्ष, 15 से 50 ईयर्स, यानी कि 14 से 12 से 15 50 वर्ष की जो उम्र होती है उसी के अंदर वो प्रेग्नेंट हो सकती है, ना तो इससे पहले हो सकती है, मतलब बिफोर 12 ईयर और आफ्टर 50 ईयर, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि इसी पीरियड में इसी उम्र के अंदर वो प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। अब इसमें अपन ने कुछ डेज को कन्वर्ट किया है, कुछ डेज अपन ने बताए हैं, तो डेज में आपको ध्यान रखना है जो मानव माताएं होती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है। 28 दिन में आपको मैंने बता दिया है, 28 दिन में मैंने डेज को कन्वर्ट किया है, फेज के अंदर कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर देखो फेज में आ रहा है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 1 से 5 दिन की होती है, सीधी सी बात है 1 to 5 days। इसी प्रकार फॉलिकुलर फेज है, इसको अपन ने कन्वर्ट किया है 6 to 13 days। इसी प्रकार ओवुलेटरी फेज में आपको 14वें दिन एक ही दिन की होती है ओवुलेटरी फेज, और पोस्ट ओवुलेटरी फेज यानी कि पश्च अंडोत्सन प्रावस्था जो है वो कितने दिन की होती है, 15 से 28 दिन। तो टोटल 28 डेज का कार्यक्रम है, इसलिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब आगे अपन देखते हैं, सबसे पहले एक ही अपन लेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज, फर्स्ट अपन हम ले रहे हैं
दिस साइकिल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नेम फ्रॉम द फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम ऑफ ब्लड ब्लड discharge that up to 3 to 5 days ठीक है ना. दिस साइकिल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द डिस्चार्ज दैट अप टू 3 to 5 days इन दिस स्टेज ब्लड टिश्यू. अभी एक बार आप निकले टिश्यू ठीक है. ब्लड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियल epithelial cells and sternum fractionalis स्टेटम फ्रैक्शनलिस डिस्चार्ज. देख आपके सामने छोटी कुछ चीजें आई है अपन देखते हैं. दिस साइकिल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज पहले दिन से स्टार्ट होती है. इसका टाइमिंग आपने देखा था इसके डे आपने देखे थे 1 to 5 days तो पहले दिन से ही ये स्टार्ट हो जाती है. लिखा हुआ है दिस साइकिल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे यानी स्टार्टिंग में ये क्या होती है पहले दिन से ही चालू हो जाती है. फिर क्या लिखा है ऑफ द ब्लड डिस्चार्ज इसके अंदर ब्लड बाहर निकलता है ठीक है. दैट अप टू 3 to 5 days ये जो ज्यादा से ज्यादा है वो 3 से 5 दिन बता सकते हो या 1 से 5 दिन बता सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 3 to 5 days हो गया ठीक है. इन दिस स्टेज ब्लड इसमें क्या क्या देखो ये जो ब्लड डिस्चार्ज हुआ है ये ब्लड डिस्चार्ज जो हुआ है इसमें क्या क्या होता है देखो. एक तो होता है ब्लड टिश्यू एक तो ब्लड है टिश्यू है फ्लूइड नर्व है म्यूकस श्लेष्म चिल्लिकाएं चिल्लियां है एपिथेलियल सेल्स है उपकला सेल्स है. इसी प्रकार स्टेटम फ्रैक्शनलिस जो टेम्परेरी लेयर होता है जो यूट्रस जो होता है उसके एंडोमेट्रियम होती है उसका जो टेम्परेरी लेयर होता है वो होता है स्टेट्रम फ्रैक्शनलिस वो भी क्या हो जाता है डिस्चार्ज हो जाता है वो भी ब्लड के साथ बाहर हो जाता है. तो ये आपको ध्यान रखना है. मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर ये कितने दिन चालू होता है 1 से 5 1 to 5 days का होता है. दूसरी चीज इसमें ब्लड डिस्चार्ज होता है. ब्लड डिस्चार्ज के अंदर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या निकलते हैं. ब्लड बाहर निकलता है टिश्यू बाहर निकलते हैं दर्व बाहर निकलता है म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह ये है बाहर निकलती है. तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही चीज है क्योंकि फर्स्ट 1 से 5 days यानी 1 से 5 दिन तक ये प्रोसेस उस लेडीज में होता है.
जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट है, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये आपको ध्यान रखना है मेंस्ट्रुअल फेज में क्या क्या चीजें होती है। तो 1 से 5 दिन तक चलता है, सीधी सी बात है। दूसरी चीज इसमें आपको पता होना चाहिए ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के साथ साथ क्या निकलते हैं जो है डीजनरेट जो है फॉलिकल होते हैं, अपशिष्ट उत्तक कोशिकाएं बाहर निकलती है, ब्लड बाहर निकलता है, द्रव बाहर निकलता है, एपिथेलियल कोशिकाएं उपकला कोशिकाएं बाहर निकलती है। तो जितना भी डेजर्ट मेटेरियल होता है, डीजनरेटिव जो मेटेरियल होता है, वो सारा का सारा ब्लड के साथ बाहर निकल जाता है। अपन 100 फुट में से कह सकते हैं कि ऐसे इसमें ब्लीडिंग होती है। दूसरी चीज आप पढ़ने जा रहे हो, दूसरी फेज जो है आपके सामने, वो फेज है, दूसरी फेज है आपकी फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज दिस इंपोर्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज आर, मैं लिख देता हूं, देखो फोलिकुलर फेज, फोलिकुलर फेज, फोलिकुलर फेज दिस फेज है इंपोर्टेंट फेज। रीजन इसका यह है कि फोलिकुलर फेज जो है, फोलिकुलर फेज में आपको पता होना चाहिए, इसको हिंदी में हम बोलते हैं गुटकीय प्रावस्था, ये हिंदी वर्ड है गुटकीय प्रावस्था, फोलिकुलर फेज। अब फोलिकुलर फेज में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं हाइपोथैलेमस जो होता है, मैं लिख देता हूं पहले हाइपो, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब होता है उद्दीपित करता है, किसको, FSHR स्टिमुलेट किसको करता है, प्यूटिट्री ग्लैंड, प्यूस ग्रंथि, प्यूटिट्री ग्लैंड, प्यूस ग्रंथि। अब प्यूस ग्रंथि क्या हो जाती है, रिलीज, क्या रिलीज करती है, रिलीज कौन सा हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता क्या है, डेवलपमेंट, प्राइमरी फोलिकल टू ग्राफियन फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल क्या करती है, ग्राफियन फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल सिक्रेट, ग्राफिन फोलिकल सिक्रेट सिक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन समझना है। आपके सामने जो बताया जा रहा है फोलिकल, फोलिकुलर फेज है, और फोलिकुलर फेज में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट को मतलब होता है उद्दीपित करना या रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, FSHRF, इसको बोलते हैं
फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये स्टिमुलेट जो रिलीजिंग फैक्टर होता है वो प्यूटिट्री ग्लैंड, प्यूस ग्रंथि, द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि भी इसे पर कहते हैं, प्यूटिट्री ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं हम। तो प्यूटिट्री ग्लैंड क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और प्यूटिट्री ग्लैंड जो एक्टिव हो जाती है तो रिलीज्ड बाय हार्मोन FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि प्यूटिट्री ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, एक हार्मोन स्रावित करती है, उस हार्मोन का नाम क्या है, FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, FSH डेवलपमेंट प्राइमरी फोलिकल टू ग्राफियन फोलिकल, या हम इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्राइमरी फोलिकल टू ग्राफियन फोलिकल। यानी कि यह है जो प्राथमिक ऊतक होता है, प्राइमरी फोलिकल को क्या बोलते हैं, प्राथमिक ऊतक, प्राथमिक ऊतक को किसमें चेंज कर देता है, ग्राफियन फोलिकल में चेंज कर देता है। और जब प्राइमरी फोलिकल ग्राफियन फोलिकल में चेंज हो जाती है तो फिर जो ग्राफियन फोलिकल होती है, जो ग्राफियन फोलिकल होती है वो सिक्रेट करती है, स्रावित करती है, क्या स्रावित करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या हो जाता है, स्रावित हो जाता है, सिक्रेट हो जाता है। तो फिर ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो क्या करता है, एज ए रिपेयर, रिपेयर का काम करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, रिपेयर का काम करता है। किसका रिपेयर, किसको रिपेयर करता है, जो आपकी फर्स्ट पहली जो आपकी जो थी मेस्ट्रुअल साइकिल का जो मेन थी, मेस्ट्रुअल साइकिल फेज थी, उस फेज के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स है, रुधिर वाहिनियां है, गर्भाशय का टेम्परेरी जो लेयर था वो स्ट्रेक्ट्रम फंक्शनलिस आपने बताया था वो है, इसी प्रकार ब्लड है, इसी प्रकार एंडोमेट्रियम है, ये जो उस ब्लडिंग के साथ डैमेज हो जाती है उनको रिपेयर करने का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो फॉलिकुलर फेज होती है, ये फॉलिकुलर फेज आपको पता होना चाहिए 6 to 13 days की होती है, पहली चीज 6 to 13 days की ये होती है। और इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है वो आपको बता देना चाहिए, हाइपोथैलेमस आपको लेना है, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है FSH RF को, ठीक है, यानी कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, उद्दीपित करता है, क्या करता है, उद्दीपित FSH RF, ये क्या करता है, प्यूटिटरी ग्लैंड को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। तो आप स्टिमुलेशन जो एक्टिव ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड, एक्टिव ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड भी लिख सकते हो आप इसको। तो ये प्यूटिटरी ग्लैंड या प्यूस ग्रंथि एक्टिव हो जाती है, और प्यूस ग्रंथि एक्टिव होने के बाद में क्या करती है, रिलीज, क्या क्या रिलीज करती है, क्या स्रावित करती है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, प्राथमिक ऊतक को ग्राफियन पुटिका में बदल देता है। तो प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन पुटिका में बदलने वाला हार्मोन कौन सा हो गया, FSH, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल इसमें चेंज हो जाती है ग्राफियन फॉलिकल में। अब ग्राफियन फॉलिकल जो होती है इसका दूसरा नाम अपन ग्राफियन पुटिका भी अपन इसे कहते हैं। तो ग्राफियन पुटिका जो होती है वो स्रावित करती है क्या, एस्ट्रोजन हार्मोन, क्या स्रावित करेगी, एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं वो होते हैं रिपेयर हार्मोन, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, एस्ट्रोजन हार्मोन इज ए रिपेयरिंग हार्मोन। बिकॉज आप इसका रीजन क्या है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो जो यूट्रस मेम्ब्रेन जो होती है, यूट्रस मेम्ब्रेन को आप बता सकते हो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जो होती है, तो यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम डैमेज हो गई थी 1 to 5 days में ब्लीडिंग के टाइम में, उसको रिपेयर करने का काम करती है, ठीक है ना। इसी प्रकार जो रुधिर वाहिनियाँ नष्ट हो गई थी, टूट गई थी, झड़ गई थी, उनको रिपेयर करने का काम करती है, ठीक है ना। इसी प्रकार जो है यूट्रस लेयर वगैरह इनको भी, यानी कि गर्भाशय स्तर वगैरह को भी ये रिपेयर करने का काम करती है। इसलिए हम इसको